गाइस, तो आज हम एक हेलो गाइस तो आज हम एक न्यू रेमेडी कर रहे हैं जिसका नाम है कैल्केरिया सल्फ्यूरिका। ठीक है, और ये होम्योपैथिक रेमेडी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, और जैसे पहले तो हम इसका ब्रीफ देखेंगे कि ये किस चीज़ों में दी जाती है, फिर हम इसको डिटेल में सारे पर्टिकुलर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैल्केरिया सल्फ है, तो इसमें कैल्केरिया कॉम्पोनेंट और सल्फ्यूरिक कॉम्पोनेंट दोनों आता है, और दोनों के सिमिलर फीचर्स भी आते हैं, दोनों के फीचर्स आएंगे और कुछ अलग सा पिक्यूलियर भी आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक कंपाउंड है तो इसकी वजह से इसका थर्मल रिएक्शन हॉट होगा, इसके स्किन पे बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है, अल्सर्स, और बहुत ही रैपिड नहीं करेगा, थोड़ा सा सोडिक तरफ चला जाएगा। सलाह कैल्केरिया होने की वजह से इसमें बहुत सारे इंडोलेंस और ऐसे वाले फीचर्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा इसका जो मेन एक्शन है ना, वो कहाँ पे, तो ऐसी जगह मतलब सुपरेटिव प्रोसेसेस में इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है, और वो भी कब, जब कोई भी पस कहीं पे भी बना है और उसको जगह मिल गई है निकलने की। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए एक लाइन बोली जाती है, व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशंस में कैल्केरिया सल्फ्यूरिका दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जनरली ये जो रेमेडी है ना कैल्केरिया सल्फ्यूरिका, वो पहली बात ये बायोकेमिक रेमेडी है, तो ये शुश्लर्स जो 12 टिश्यू रेमेडीज में से आता है, तो इसलिए इसका नाम वहां पे ब्लड प्यूरिफायर भी कहते हैं इसको। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है, इसके अलावा ये लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है। ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन का ऐसा स्टेज कि आप पस बन गया है, बिल्कुल सुपरेटिव स्टेजेस हो गई है, जैसे हम इसमें निमोनिया भी पढ़ेंगे, तो वो निमोनिया के भी थर्ड स्टेज में दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जैसे ट्रॉन्सलाइटिस की भी बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज में दे रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप बहुत ज्यादा फर्स्ट स्टेज ऑफ रेमेडीज भी आपको पता होगा, फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन वाली जो रेमेडीज होती है, जैसे फेरमफॉस और ये सब फर्स्ट स्टेज में दी जाती है, फेरमफॉस एकोनाटिसम। इसके अलावा लेटर स्टेजेस में कौन सी देती है, कैल्केरिया सल्फ्यूरिका, ठीक है, और जैसे कालीफॉस, ये सब लेटर स्टेजेस में दी जाती है। ठीक है, और जैसे काली सल्फ्यूरिका, ठीक है, और कौन सी हम पढ़ सकते हैं, पल्सेटिला, ये सब लेटर स्टेजेस में दी जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस रेमेडी में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इज ऑल्सो नोन एज ब्लड प्यूरिफायर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, सल्फेट ऑफ लाइम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके अलावा स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, तो स्किन में होगा। ठीक है, सुपरेटिव प्रोसेसेस व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन और सुपरेटिव स्टेजेस में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका स्फेयर ऑफ एक्शन और कहाँ पे है, स्टमक पे है। ठीक है, स्टमक में हम डायरिया देखेंगे मेनली, कि इसका डायरिया बहुत पेक्यूलियर होता है, कि अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर है या मतलब वेदर है या ऐसा समझ लो कि मेपल शुगर, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें खा ली, तो इसको डायरिया होता है। ठीक है, तो वो चीजें देखेंगे। इसके अलावा ईयर में कोई सुपरेशन है। ठीक है, जैसे हमने डिजीजेस पढ़े होंगे आपने, पैथोलॉजिकल डिजीज, जैसे क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट कंडीशन हो रही है, तो उसमें दे सकते हो। ठीक है, फेस में देख सकते हो, अगर पिंपल्स है जिसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है बहुत येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, इसका येलोइश येलो थिक डिस्चार्ज होना इज वेरी पेक्यूलियर। ठीक है, तो इसमें ये होना होता है। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। थ्रोट में बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज ऑफ थ्रोट की कोई कंडीशन है उसमें देंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन में जैसे मैंने बताया एम्फाइसीमा निमोनिया के लेटर स्टेजेस में देंगे। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम देखेंगे। स्किन इसकी थोड़ी सी वही गंदी सी अनडर्टी सी होती है बिकॉज ऑफ द सल्फ्यूरिक कॉम्पोनेंट, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है, तो ड्राई एक्जिमा में, ऑप्थाल्मिया न्यूनेट्रम में देते हैं, पिंपल्स और पोस्ट्यूल्स है अगर फेस में जिसमें से येलो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें देंगे, टॉन्सिलाइटिस के सुपरेटिव स्टेज में देते हैं। ठीक है, कि टॉन्सिलाइटिस ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उसमें से पस बन गई है उसमें, तो उस स्टेज में हम देंगे, डायसेंट्री और डायरिया में देते हैं, अगर पेनफुल एब्सेसेस है तो वहां देंगे, एम्पायमा निमोनिया एम्फिसिमा इन सब में देंगे, इसके अलावा अनहेल्दी डिस्चार्जिंग पस है स्किन में, तो ये सारे इसके क्लिनिकल यूजेस होते हैं। ठीक है, अब इसका गाइडिंग सिम्टम देखते हैं कैल्केरिया सल्फ्यूरिका का, तो इसका गाइडिंग सिम्टम है कि इसमें येलो थिक और लंपी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो येलो थिक एंड लंपी डिस्चार्ज है। ठीक है, बहुत ज्यादा पिक्यूलर है, इसके जितने भी डिस्चार्ज होंगे ना येलो होंगे, थिक होंगे, लंपी डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, इसके अलावा सुपरेटिव प्रोसेस व्हेन पस हैज फाउंड अ वेंट। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो टंग होती है ना उसमें भी येलो कोटिंग होती है, ये आप समझ लो कि अगर कैल्केरिया सल्फ्यूरिका को आप याद करोगे तो येलो से याद करना। ठीक है, इसके अलावा इसमें येलो कोटिंग होती है टंग पे विथ सार सोपी एंड एक्रिड टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्जिमा एंड टॉर्बिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स होती है इसमें। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कैल्केरियल कंपोनेंट है, तो कैल्केरियल कंपोनेंट में भी टॉर्बिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स होती है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो। इसके अलावा इसको फियर ऑफ पॉवर्टी होती है और मिसफॉर्च्यून। ठीक है, तो इसका ये
मेंटल जनरल है कि इसको फियर होती है पॉवर्टी की और मिसफॉर्चून की, ठीक है। इसके अलावा कैल्केरिया सल्फ्यूरिक को ना एंग्री कैल्केरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको पता होगा कैल्केरिया जो ग्रुप होता है वो थोड़ा सा इंडोलेंट लेजी सा ऐसा सा इंसान होता है ना, थोड़ा स्लो इन रिस्पॉन्स वैसा इंसान होगा। पर ये वाला जो होगा वो थोड़ा सा मतलब एंग्री की तरफ होगा, थोड़ा ईगोस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक कंपाउंड आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेड, हेड में क्या कंप्लेन आती है इसको, तो स्कार्ड हेड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्रस्टालैक्टिया और रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस में आप इसको दे सकते हो। आईज में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है आईज की विथ थिक येलो लंपी डिस्चार्ज, मतलब आईज में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसमें से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो भी येलो सा डिस्चार्ज निकल रहा है। कॉर्निया स्मोकी है, ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम है इसको, ठीक है। हेमियोपिया है, मतलब सिर्फ आधा चीज दिख रही है, फ्लैबी, ठीक है, हेमियोपिया है। तो इन चीजों में आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टंग में देखो क्या है, तो फ्लैबी रिजेम्बलिंग अ लेयर ऑफ ड्राइड क्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो टंग है ना वो इतनी मोटी सी लगती है कि ऐसा लगता है कि ड्राइड क्ले रखा हो मोटा सा, ठीक है। तो ये मोटा सा मैंने बनाने की कोशिश भी की है, ठीक है। तो ऐसा सा इसका लगता है टंग, इसको फील होता है, ठीक है। इसके अलावा ईयर में क्या, ईयर में ये इसको सुनाई नहीं देता, तो डेफनेस विद डिस्चार्ज येलो पस फ्रॉम विथ ब्लड, ठीक है। तो अगर इसको कान से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है येलो पस का, उसमें ब्लड भी है, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है और इसमें आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें हाथ में थोड़ा स्किन में ड्राई एक्जिमा मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, कफ विथ पुलवरेंट सीनियर स्पूटा, ठीक है, एंड हेक्टिक फीवर, एम्पायमा, एम्पायमा मतलब वही पस वाला, पस फॉर्मेशन इन लंग्स एंड प्लूरा, पुलवरेंट स्पूटा, निमोनिया ऑन द थर्ड स्टेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेस्पिरेशन या कोई भी चीज है ना इसमें जो बहुत ज्यादा इंटेंस बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है कि आप वहां पे सिर्फ सुपरेशन हो जा रही है और वो सुपरेशन को जगह मिल गई निकलने की, तो वहां पे आप कैल्केरिया सल्फ दे सकते हो। वो भी जो पस है, जो भी डिस्चार्ज है, वो बहुत ज्यादा येलोइश है, थिक है, तो ऐसे जगह आप कैल्केरिया सल्फ सो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके स्टूल्स देखते हैं कैसे होते हैं, तो इसके स्टूल जो होते हैं पुलरेंट डायरिया, मतलब वही बदबूदार सा डायरिया, ठीक है, मिक्स्ड विद ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स होगा, डायरिया आफ्टर मेपर शुगर एंड फ्रॉम चेंज इन वेदर। तो मैंने बताया था ये डायरिया के लिए देते हैं, तो डायरिया भी क्यों कि अगर मेपर शुगर खा लिया या चेंज इन वेदर है उसके बाद अगर डायरिया हो गया तो हम उसमें सो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन इफेक्शंस, अब स्किन में कैसी इफेक्शंस होती है, तो स्किन इफेक्शंस विथ येलोइश, जैसे मैंने बताया अगर कैल्केरिया सेल्फ आपको याद करना है तो येलो वर्ड याद रखना, तो इसमें भी क्या है, स्किन इफेक्शंस होगी विथ येलोइश स्कैब्स, कट वूंड्स, ब्रूसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अनहेल्दी डिस्चार्जिंग पस, दे डू नॉट हील रैपिडली, ठीक है। तो ऐसी मतलब इसको स्किन पे अगर कोई भी लीजन हो रही है, कोई भी कटवट लग रहा है, तो वो आसानी से हील नहीं हो रही, ठीक है। तो और वहां पे डिस्चार्ज निकले जा रहा है, वहां पस बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो वहां पे आप कैल्केरिया सल्फ सो सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पुलरेंट एक्सुडेशन सिस्टिक ट्यूमर्स में भी देते हैं, ठीक है, और लूपस वल्गैरिस में भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस में आप इसको स्किन के लिए सूझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लिवर या एब्डोमेन में देखो, तो एब्डोमेन में पेन इन लिवर रीजन, मतलब इसके जो लिवर रीजन में वहां इसको दर्द होगा, मतलब वही राइट साइडेड दर्द है, और राइट पेल्विस में भी दर्द है, राइट साइड ऑफ पेल्विस, फॉलोड बाय वीकनेस, नॉजिया और पेन, ठीक है। तो इसमें भी आप सोच सकते हो। इसके अलावा फीमेल सिस्टम में, तो मेंसेस जो होते हैं लेट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, विथ हेडेक, पिचिंग एंड ग्रेट वीकनेस, ठीक है। तो इन कंडीशन में भी आप इसको सो सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो फीवर, तो फीवर में क्या है, हेक्टिक फीवर कॉज बाय, हेक्टिक फीवर ऐसे फीवर कि बहुत ज्यादा ना वीकेंड और डेबिलिएटेड हो गया उस फीवर के बाद या उस फीवर के टाइम, तो उसको हेक्टिक फीवर कहते हैं। तो हेक्टिक फीवर कॉज बाय फॉर्मेशन ऑफ पस, कि इसकी बॉडी में इतना पस बन गया कि इसको फीवर आ गया विथ कफ और इसके साथ बर्निंग इन सोल्स हो रहा है, तो उसमें आप सो सकते हो, ठीक है। नोज में क्या है, तो कोल्ड इन हेड विथ थिक येलोइश पुलवरेंट सिक्रीशन, फ्रीक्वेंटली टिंच विद ब्लड, मतलब इसके नोज से जो डिस्चार्ज आएगा वो भी बहुत थिक येलोइश होगा, ठीक है, और वो भी उसके अंदर भी ब्लड होगा। तो ये क्या कंडीशन को शो कर रहा है, साइनसाइटिस। तो आप इसको साइनसाइटिस में भी दे सकते हो, जिसमें जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा येलोइश है, थिक है, लंपी है, ठीक है। येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम पोस्टीरियर नेस, पोस्ट नेसल ड्रिप में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज ऑफ नॉस्ट्रियल सोर, मतलब इसकी जो नॉस्ट्रियल, जैसे ये नाक बनाए अगर हम, इसकी जो एज होती है वो सोर होती है, ठीक है। इसके अलावा पेनफुल एब्सेस होता है इसको अराउंड द एनस इन कॉज ऑफ फिस्टुला, ठीक है।
इसके अलावा इसको जो सोल्स होते हैं उस पर बर्निंग एंड इचिंग होती है। अब ये चीज आपको याद करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपने सल्फर पढ़ा होगा, क्योंकि सल्फर का भी यही चीज है कि सल्फर में भी बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है सोल्स में, तो ये उस चीज से दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका थर्मल रिएक्शन क्या होगा, हॉट ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ज्यादा सिमिलर है सल्फ्यूरिक से। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शन इसका हॉट होता है बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपोनेंट। और इसका एग्रवेशन होता है ईटिंग से, वार्म रूम से, और इसको आराम मिलता है ओपन एयर से। ठीक है, तो ये थी हमारी कैल्केरिया सल्फ्यूरिका रेमेडी, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, पर आपको जो चीजें मेन याद करनी है कि इसकी टंग कैसी है, इसकी ये इंसान पूरा येलोइश येलो डिस्चार्जेस है ना, और ये लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में देते हैं कि वहां पे पस बन गया और पस को एक जगह मिल गई निकलने की, ऐसी चीजों में देंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन था, बाकी इसके स्फीयर ऑफ एक्शन याद रखना तो बस ये था। और आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको किसी और पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं उस पे भी उस मेडिसिन पे भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइज़।